धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। मृत्यु के बाद इसमें शरण का प्रावधान है। गरुड़ पुराण का वाचन किसी ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। इस पुराण के देवता भगवान विष्णु को माना जाता है। गरुड़ पुराण में 271 अध्याय और 18,000 श्लोक मिलते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होगी, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होगा, इन सब बातों की जानकारी दी गई है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मरे हुए व्यक्ति की कभी भी तीन चीजों का इस्तेमाल कभी किसी को नहीं करना चाहिए, अन्यथा पितृदोष लग सकता है और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं वो तीन चीजें कौन सी हैं। नंबर वन, मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के कभी भी कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ सकती है जो इनका इस्तेमाल करता है। साथ ही मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लगती है, जिस कारण से वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो मृत व्यक्ति के कपड़ों को दान कर सकते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मगर घर के किसी भी व्यक्ति को मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर दो, गहनों का इस्तेमाल ना करें। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत व्यक्ति के कभी भी गहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गहने भी मृत व्यक्ति के ऊर्जा के स्रोत होते हैं। साथ ही मृत व्यक्ति को कपड़ों से ज्यादा अपने गहनों से लगाव होता है। वहीं जब मृत व्यक्ति के गहने कोई दूसरा पहन लेता है तो उसकी आत्मा असहज महसूस करने लगती है, इस मृत्यु लोक में परेशान करने लग जाती है। साथ ही आत्मा मोक्ष की राह में ना जाकर मृत्यु लोक में अपने परिजनों को ही परेशान करने लगती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को गलाकर उसका कुछ और आइटम बनवा लेना चाहिए, अन्यथा मंदिर में या कहीं पर दान कर देना चाहिए, परंतु खुद या घर में किसी और व्यक्ति को मृत व्यक्ति के गहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है, घड़ी का भी प्रयोग ना करें। मृत व्यक्ति की घड़ी का भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घड़ी भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका समय वहीं खत्म हो जाता है, उसका वक्त वहीं रुक जाता है और वह समय उसके साथ दूसरे लोक में चला जाता है। इसीलिए मृत व्यक्ति की घड़ी पहनकर आप अपने समय की हानि करते हैं, अपने समय को रोक देते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है। इसीलिए मृत व्यक्ति की घड़ी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। इस घड़ी को आप दान कर सकते हैं, वरना पितृदोष लग सकता है। तो दोस्तों, ये तीन चीजें थी जिसको गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत व्यक्ति की इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आशा है इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। मेरी आप सबसे एक गुजारिश है, कृपया कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने परिजनों के साथ शेयर करके उनको भी जागरूक जरूर बनाएं। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।